हम सब ने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अथक परिश्रम और प्रतिबद्धता से विगत 7 वर्षों में काशी की इस नगरी में विकास की अविरल गंगा बहाई है। हमने देखा है कि काशी, नई काशी, परंपरागत स्वरूप को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से युक्त होकर आज स्मार्ट काशी के रूप में उभर रही है। ये कायाकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों का फल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब अपनी भावनाओं के पुष्प जोरदार तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया उत्तर प्रदेश है जो उम्मीदों को बोझ नहीं मानता बल्कि उसे सफलता का आधार मानता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जो प्रतिभा को प्रोत्साहन देता है और उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए अवसर और संसाधन मुहैया कराता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जो नित नवीन कीर्तिमानों को रचने की सामर्थ्य रखता है। नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला और महानगर के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं प्रदेशवासियों की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी जो नई पहचान बनाई है, इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है।
इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद महामारी के इस कालखंड में काशीवासियों के साथ निरंतर संवाद, काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आज एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में, देश की इस सांस्कृतिक राजधानी में अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 7 वर्षों के दौरान काशी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10,284 करोड़ रुपए की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। काशी जिन बातों के लिए तरसता था, आज वो काशी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शिक्षा, पेयजल, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके कर कमलों से यहां पर संपन्न होने जा रहा है। अपनी तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में अपना समय अपने संसदीय क्षेत्र के लिए निकाला और समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी देते हैं। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जब काशी आते हैं तो हम सब आह्लादित हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। हम उन्हें माननीय प्रधानमंत्री के रूप में या माननीय सांसद के रूप में ही नहीं देखते, बल्कि हम उन्हें अपने अभिभावक और संरक्षक के रूप में भी देखते हैं और इसीलिए वो हमेशा बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं। आज भी लगभग 1500 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार लेकर वो आए हैं, जिसमें से 205 परियोजनाएं जिनका वो शिलान्यास करेंगे और 78 परियोजनाएं जिनका लोकार्पण करेंगे। ये सारी परियोजनाएं शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन, यातायात, परिवहन, आवास से जुड़ी हैं, जिससे काशी की तस्वीर भी बदलेगी और काशी निवासियों की तकदीर भी बदलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन समस्त परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। लगभग 1500 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार आज माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं।
बटन दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण, लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाएं काशी के विकास और समृद्धि के लिए, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का लोकार्पण भी। हम आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष जाएंगे और वहां विधिवत उसका शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इन समस्त योजनाओं से काशी की तस्वीर और तकदीर तो बदलेगी ही, साथ ही पूर्वांचल क्षेत्र भी विकास से परिपूरित होगा, समृद्ध होगा। इन्हीं योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हम सब ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, आइए देखते हैं। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में धर्म और आध्यात्म की नगरी में विकास की अविरल धारा बह रही है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प एवं अथक प्रयासों से 7 वर्षों में इन विकासोन्मुख परियोजनाओं ने काशी वासियों का जीवन बेहतर बनाया है। इस कड़ी में आज काशी को पूर्ण हो चुकी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। 210 करोड़ की लागत से पूर्ण परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, गोदौलिया मल्टी लेवल 2-व्हीलर पार्किंग एवं शहर के 4 प्रमुख पार्कों का सौंदर्यीकरण प्रमुख है। 193 करोड़ 37 लाख की लागत से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का सुदृढ़ीकरण, वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन का उपरगामी सेतु का निर्माण एवं 18 ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ मरम्मत का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। 139 करोड़ 19 लाख की लागत से मछोदरी स्मार्ट स्कूल एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में आईटी ब्लॉक, लैब एवं आवासीय परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 102 करोड़ 76 लाख की लागत से ग्रामीण पेयजल योजना एवं शहर की प्राचीन सीवर प्रणाली के नवीनीकरण के कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। 92 करोड़ 21 लाख की लागत से BHU के शिक्षकों के लिए 80 आवासीय फ्लैट एवं 100 बेड के MCH विंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 54 करोड़ 67 लाख की लागत से पर्यटन के विकास हेतु गंगा में रो रो बोट, रामनगर से राजघाट तक क्रूज के संचालन के साथ ही 84 घाटों पर साइनेज एवं शहर के 6 स्थानों पर LED स्क्रीन तथा साउंड सिस्टम एवं रामेश्वर में पर्यटन विकास के कार्य भी पूर्ण कर लिए गए हैं। 35 करोड़ 36 लाख की लागत से नगर के 14 अस्पतालों में PSA ऑक्सीजन प्लांट, सेंट्रल जेल की प्रमुख दीवार के बाहर एक और नई दीवार का निर्माण, करौंदी के ITI परिसर में ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ ही कल्लीपुर कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। पूर्ण हो चुकी इन परियोजनाओं से जहां एक तरफ काशी वासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल सहित बेहतर जीवन शैली की सौगात मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटन भी सुगम हो रहा है। आइए एक नजर डालते हैं उन परियोजनाओं पर जिनका शिलान्यास आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। 186.6 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति, सीवर लाइन एवं स्काडा ऑटोमेशन की योजना, 31.74 करोड़ रुपए से आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई एवं शूटिंग रेंज का निर्माण की योजना, 119.76 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण लिंक रोड का पुनर्निर्माण एवं लहरतारा चौका घाट अर्बन प्लेस मेकिंग की योजना, 55.88 करोड़ रुपए की लागत से CPET रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग एवं सब्जियों के लिए करखियांव में पैक हाउस के निर्माण की योजना। काशी को मिल रही इन सौगातों के लिए समस्त काशीवासी अपने जनप्रिय सांसद एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। निश्चित रूप से इन
परियोजनाओं से काशी और पूर्वांचल का विकास, गरिमा और समृद्धि का एक नया आयाम जुड़ेगा। नई काशी, स्मार्ट काशी और भी ज्यादा विकसित होगी। चुनौतियों से टकराने का साहस, संकल्पों की सिद्धि का बल और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की प्रेरणा देता है प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता से विभूषित माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व। 136 करोड़ भारतीयों के विश्वास की आवाज का दूसरा नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। सभी लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगों से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और बनारस के मेरे भाइयों और बहनों, आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने
पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे, और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। मैं काशी के अपने साथियों का, यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की, वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है, वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है।
चार साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब चार गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है वो भी सराहनीय है। कोरोना से जुड़ी नई स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ यूपी को होने वाला है। साथियों, काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ कड़ियां और जुड़ रही है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इनमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मुझे मिला था। अब आज इनका लोकार्पण भी हो रहा है। बीएचयू में जो ये नई सुविधा बनी है, थोड़ी देर बाद मैं उसे देखने के लिए भी जाने वाला हूं। साथियों, आज बीएचयू में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी लोकार्पण किया गया है। इस संस्थान में लोगों को आंखों से जुड़ी बीमारियों का आधुनिक इलाज मिल पाएगा। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल और सीवर की समस्याओं का निदान हो, पर्यटन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए प्रोजेक्ट
नए संस्थान काशी की विकास गाथा को और जीवंत बना रहे हैं। साथियों, काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। पंचकोशी मार्ग का चौड़ीकरण पूरा होने से श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी और इस मार्ग पर पड़ने वाले दर्जनों गांवों का जीवन भी आसान बनेगा। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर जो सेतु है उसके खुलने से वाराणसी के अलावा प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और बिहार आने जाने वालों को भी बहुत आसानी होगी। गौदौलिया में मल्टी लेवल टू व्हीलर पार्किंग बनने से कितनी किचकिच कम होगी ये बनारस के लोगों को भली भांति पता है। वहीं लहरतारा से चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग से लेकर दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बनारस की, यूपी की किसी भी बहन को, किसी भी परिवार को शुद्ध जल के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हर घर जल अभियान पर भी तेजी से काम हो रहा है। साथियों, बेहतर सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, सुंदर होती गलियां और घाट, ये चीर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ति है। शहर के 700 से ज्यादा स्थानों पर एडवांस सर्विलांस कैमरा लगाने का काम भी तेजी से जारी है। शहर में जगह जगह लग रही बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स और घाटों पर लग रहे टेक्नोलॉजी से लैस इंफॉर्मेशन बोर्ड ये काशी आने वालों की बहुत मदद करेंगे। काशी के इतिहास, वास्तु, शिल्प, कला ऐसी हर जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने वाली ये सुविधाएं श्रद्धालुओं के काफी काम आएगी। बड़ी स्क्रीन्स के माध्यम से गंगा जी के घाट पर और काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली आरती का प्रसारण पूरे शहर में संभव हो पाएगा। भाइयों और बहनों, आज से जो रोरो सेवा और क्रूज बोट का संचालन शुरू हुआ है, इससे काशी का टूरिज्म सेक्टर और फलने फूलने वाला है। यही नहीं, मां गंगा की सेवा में जुटे हमारे नाविक साथियों को भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। डीजल नावों को सीएनजी में बदला जा रहा है, इससे उनका खर्च भी कम होगा
पर्यावरण को भी लाभ होगा और पर्यटक भी आकर्षित होंगे। मैं इसके बाद थोड़ी देर में रुद्राक्ष के रूप में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी काशीवासियों को सौंपने जा रहा हूं। काशी से विश्व स्तरीय साहित्यकार, संगीतकार और अन्य कलाओं ने के कलाकारों ने विश्व स्तर पर धूम मचाई है, लेकिन काशी में ही उनकी कलाओं के प्रदर्शन के लिए कोई विश्व स्तरीय सुविधा नहीं थी। आज मुझे खुशी है कि काशी के कलाकारों, आर्टिस्टों को अपनी विद्या दिखाने के लिए, अपनी कला दिखाने के लिए एक आधुनिक मंच मिल रहा है। साथियों, काशी के पुरातन वैभव की समृद्धि ज्ञान की गंगा से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में काशी का आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के केंद्र के रूप में भी निरंतर विकास जरूरी है। योगी जी की सरकार, इस सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे उनमें और तेजी आई है। आज भी मॉडल स्कूल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक ऐसे अनेक संस्थान और नई सुविधाएं काशी को मिली है। आज सीपेट के सेंटर फॉर स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट की जो आधारशिला रखी गई है, ये काशी नहीं पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को भी ऊर्जा देगा। ऐसे संस्थान आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कुशल युवाओं के में प्रशिक्षण में काशी की भूमिका को और मजबूत करेंगे। मैं बनारस के युवाओं को, विद्यार्थियों को सीपेट सेंटर के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आज दुनिया के अनेक बड़े बड़े निवेशक आत्मनिर्भर भारत के महायज्ञ से जुड़ रहे हैं। इसमें भी उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। यूपी के कोने कोने को चौड़ी और आधुनिक सड़कों, एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम यहां तेजी से चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे, ये इस दशक में उत्तर प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने वाले हैं। इन पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं,
गाड़ियां ही चलेगी ऐसा नहीं, बल्कि इनके इर्द गिर्द आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने वाले नए औद्योगिक क्लस्टर भी तैयार होंगे। भाई और बहनों, आत्मनिर्भर भारत में हमारी खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि आधारित उद्योगों की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। हाल में ही केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के सशक्तिकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देश में आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है, उसका लाभ अब हमारी कृषि मंडियों को भी मिलेगा। ये देश की कृषि मंडियों के तंत्र को आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सरकारी खरीद से जुड़े सिस्टम को बेहतर बनाना और किसानों को अधिक विकल्प देना ये सरकार की प्राथमिकता है। इस बार धान और गेहूं की रिकॉर्ड सरकारी खरीद इसी का परिणाम है। साथियों, कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यूपी में निरंतर काम चल रहा है। वाराणसी हो, पूर्वांचल हो, यहां पेरिशेबल कार्गो सेंटर, इंटरनेशनल राइस सेंटर जैसी अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं आज किसानों के काम आ रही है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण हमारा लंगड़ा और दशहरी आम आज यूरोप से लेकर खाड़ी देशों में अपनी मिठास भर रहा है। आज जिस मैंगो एंड वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस का शिलान्यास किया गया है, वही क्षेत्र को एग्रो एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। इससे विशेष रूप से छोटे किसानों जो फल सब्जी उगाते हैं उनको सबसे अधिक लाभ होगा। साथियों, काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्य निष्ठा का कमाल है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं, हर एक जिले में जाते हैं,
हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। साथियों, विकास और प्रगति की इस यात्रा में यूपी के हर एक नागरिक का योगदान है, इसमें जन जन की भागीदारी है। आपका ये योगदान, आपका ये आशीर्वाद यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि आपको कोरोना को फिर से हावी नहीं होने देना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दर धीमी जरूर हुई है लेकिन लापरवाही बढ़ी तो ये प्रचंड लहर में बदल भी सकती है। दुनिया के कई देशों के ये अनुभव आज हमारे सामने हैं। इसलिए हमें सारे नियम कायदों का सख्ती से पालन करते रहना है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान से भी हम सभी को जुड़ना है। टीका जरूर लगवाना है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, आपका व्यक्तित्व, आपकी संवेदनशील दृष्टि हमें जीवन के हर पथ पर आदर्श रूप में गरिमा के साथ बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। लगभग 1500 परियोजनाओं का उपहार देकर आपने हमारे स्वर्णिम भविष्य की पृष्ठभूमि को प्रशस्त किया है, मजबूत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपको हमारे प्रणाम। इसी के साथ इस